तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज पल्सर 150 के नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है, बजाज पल्सर 150 का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो लॉन्च हो चुका है, बजाज की तरफ से आपके शोरूम्स में भी अवेलेबल हो चुका है। लेकिन गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, कि आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं, क्या है मेरे ओपिनियंस वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर हम बात करें पल्सर 150 के बारे में, ये काफ़ी एक लेजेंडरी बाइक है जिसको मैं खुद भी ओन करता हूँ, काफ़ी मॉन्स्टर टाइप बाइक है। तो अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में, जो नई पल्सर P150 है उस पर आपको लगभग 1,20,000 के आसपास में जो है आपको ऑन रोड में पड़ जाएगा। ये थोड़ा सा स्टेट टू स्टेट डिफरेंट हो सकता है। तो गाइस अगर हम बात करें 149.68 cc सिंगल सिलेंडर इंजन के बारे में जो कि इसमें लगा है, वो जनरेट करके देगी आपको 14.5 PS का पार। अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे आपको डुअल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा। अप्रोक्स जो है ये बाइक आपको 40 का माइलेज निकाल के देगी, डिपेंड करता है आपके चलाने के ऊपर। अगर ये आपका चलाने का स्टाइल अच्छा है तो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो गाइस जब बात करते हैं बाइक के बारे में, तो गाइस जो नई पल्सर P150 है, अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे इसका डिज़ाइन घंटा भी पसंद नहीं आया गाइस। मतलब हमारी जो पुरानी पल्सर 150 है, अगर आप उसको देखोगे, आप साइड बाय साइड देख लो, कंपेयर कर लो, कितनी मतलब पतली सी बाइक दिखती है अभी आपकी P150, लेकिन आपकी जो पल्सर 150 है पुरानी बाइक है वो कितना ज़्यादा मॉन्स्टर टाइप आपका फील देती है। तो गाइस इसको मैं खुद भी ओन करता हूँ और मुझे कहीं से ये नहीं लगता कि ये कोई पतली बाइक है, छोटी बाइक है या फिर कम सीसी की बाइक है। हाँ ये 150 cc की बाइक है, लेकिन गाइस इसका जो फील है वो कहीं से भी 150 cc की बाइक का नहीं है। अभी आपको इसमें फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत कुछ आपको न्यू देखने को मिल रहा है, लेकिन जो आपका फील है, जो पल्सर ओन करता है सिर्फ वही जान सकते हैं इसका जो फील क्या है। तो गाइस मैं अपने ओपिनियन को अगर देखूँ तो गाइस मुझे लगता है इसका बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन गाइस इसका जो डिज़ाइन है वो बजाज वालों ने पता नहीं कौन सा गांजा फूंक के रखा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, अगर मैं होता तो अभी इस बाइक को बिल्कुल भी नहीं लेता, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। बाकी आपको ये बाइक कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस अलविदा।